अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बिना ओवन, बिना मैदे और बिना मोल्ड के बनने वाला सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक, जिसे हम तवे में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3/4 कप हम दूध ले लेंगे एक बाउल में। रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए हमारा। और 2 चम्मच मीठा दही, अगर दही नहीं है तो 1 चम्मच वेनेगर, और अगर वेनेगर भी नहीं है तो 1 चम्मच लीमू का रस भी ले सकते हैं। और 4 चम्मच हमने इसमें सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। आप इसकी जगह जो देसी घी होता है या बटर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल हमको यूज़ नहीं करना है। और 3/4 कप ही हमको पिसी हुई शक्कर ले लेनी है, और 1 चम्मच वेनिला एसेंस। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घर का आटा है, इसमें से हम 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा निकाल लेंगे। और सेम क्वांटिटी में हमको इसमें कोको पाउडर डाल देना है, और 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और बाद में बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो नॉर्मल हम भजियों वगैरह में यूज़ करते हैं, वो 1/4 चम्मच ही लेना है। और इन सबको अच्छे से हम छान कर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से छान लेना है। और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से दूध डाल देंगे। पहले हमने 3/4 कप दूध लिया था, और अब इसमें हम 1/2 कप दूध डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हमारा केक बनके रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अंडे से भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अंडे से बनाकर बताएंगे। पैन को हम घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और जो हमारा बैटर है वो इसमें डाल देंगे। और इसको टैप कर लेंगे 2 से 3 बार। और तवे को हमने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। और जब हम जो हमारा पैन रखेंगे तवे पर, जब फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन या कोई भी लीड लगा देंगे, 5 मिनट बाद इस तरह से बबल आ जाएंगे और हमारा केक बनना शुरू हो जाएगा। और तकरीबन 13 से 14 मिनट बाद हमारा केक बन चुका है सुपर सॉफ्ट। और अब एक पैन में घर की मलाई 2 चम्मच ले लेंगे, और इसमें 1/2 कप दूध डाल दिया है, और इसमें 3 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। और 1/2 कप पानी और 4 चम्मच शक्कर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम गैस पर स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक पकाएंगे तब तक ये 3/4 कप ना हो जाए। इस रेसिपी में ना हमको चॉकलेट की ज़रूरत है, और ना ही फ्रेश क्रीम की, और ना ही बाहर के से कुछ लाने की ज़रूरत है। बस घर में रखे हुए सामान से हमारा बहुत ही टेस्टी और जूसी केक बन के रेडी हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। और ठंडे दूध में ही हमको 1 चम्मच मैदा डालना है। मैदा डालना भूल गए थे, और बस इसको अच्छे से पकने के देंगे। और बस ये रेडी है, इसको हम कप में निकाल लेंगे और गर्म गर्म सर्व कर लेंगे। इसको 5 से 6 मिनट लगे हैं हमको पकाने के लिए। और पैन में हम जो हमारा केक बनाए थे वो डाल देंगे।
और फॉर्क की मदद से इसमें सुराख लगा देंगे। अब हम केक के ऊपर चॉकलेट सॉस डाल देंगे गरम गरम। आप चाहे तो इसे ठंडा या गरम सर्व कर सकते हैं। गरम गरम खाने में ये पूरा लावा केक तरह लगता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।